हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं भारतीय संविधान से जुड़ी वीडियो का पार्ट नंबर 18। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति अधिक से अधिक कितने समय के लिए कर सकता है? इसके ऑप्शन है 5 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष या 6 माह। तो इसका सही जवाब है 2 वर्ष। हमारा अगला सवाल है, उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं? इसके ऑप्शन है संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार या संवैधानिक अधिकार या सभी। तो इसका सही जवाब है सभी। हमारा अगला सवाल है, 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? इसके ऑप्शन है नगरपालिका से, मकान किराए अधिनियम से, पंचायती राज अधिनियम से या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है पंचायती राज अधिनियम से। हमारा अगला सवाल है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? इसके ऑप्शन है सत्ता के केंद्रीकरण पर, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, प्रशासन व जनता के सहयोग पर या उपरोक्त सभी पर। तो इसका सही जवाब है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। हमारा अगला सवाल है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई? इसके ऑप्शन है अशोक मेहता समिति द्वारा, सिंघवी समिति द्वारा, बलवंत राय समिति द्वारा या सरकारी आयोग द्वारा। तो इसका सही जवाब है बलवंत राय समिति द्वारा। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम स्थापित हुआ था? इसके ऑप्शन है कलकत्ता में, चेन्नई में, मुंबई में या दिल्ली में। तो इसका सही जवाब है चेन्नई में। यदि आपने हमारे इससे पहले के सभी वीडियो की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तथा साथ ही मैं आई बटन पर भी डाल दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। हमारा अगला सवाल है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले में हुई सर्वप्रथम हुई? तो इसका सही ऑप्शन है जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, उदयपुर। तो इसका सही जवाब है नागौर। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता कहे जाते हैं? एस के डे, जे एल नेहरू, बी आर मेहता, जयप्रकाश नारायण। इसका सही जवाब है एस के डे। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने के शक्ति परिषद प्रदान की गई है? इसके ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, चार्ट एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो इसका सही जवाब है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1773। तो इसका सही जवाब है भारत शासन अधिनियम 1935। आई होप यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।